Hello students, theorem number 9, prove that every monotonic function is Riemann integral. Defined on closed interval. Every monotonic function defined on closed interval is Riemann integral. Beta, we have first video proved that jo monotonic function hota hai bounded hota hai. So beta, I have monotonic increasing function le liya hai. Let f is monotonic. Beta, आप increasing भी ले सकते हो, decreasing भी. आपने देखना है क्या रखना है. Decreasing लोगे, तो f भी f is premium होगा. F a क्या होगा infinium. Monotonic increasing on closed interval a b. So infinium of f is f a. So premium of f is f b. Okay. मैंने ये ले लिया. Let P क्या रखी मैंने partition P equal to A equal to x naught x one up to xn equal to P क्या ले ली बेटा partition. Okay, तो जब partition ली बेटा जो इसकी length है ये length. Let delta I choose delta I equal to epsilon pi less than epsilon pi fb minus fa plus 1. fb क्या होगी ये length, fa ये होगी. fb आपको मालूम है greater than or equal to fa है. equal to क्यों, यदि constant function हो. fb greater than or equal to fa है, तो ये clear है. ये value क्या होगी positive plus 1 positive, तो ये सारी value क्या है positive. तो मैंने delta ही choose कर ली बेटा, जो length है इसकी मैंने ये choose. उसके बाद अब इन्हें क्या प्रूव करना है बेटा, रीमन इंटीग्रल. रीमन इंटीग्रल की कंडीशन क्या होती है बेटा, यूपीएफ माइनस एफ. अब देखो ये मैंने एक्स आई माइनस वन एक्स आई ले लिया, तो ये क्या है इंफीमियम, ये क्या है बेटा सुप्रीमियम. सो एफ इंक्रीजिंग किसमें है बेटा, इसमें, इसमें बाउंडेड है. तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, एम आई एफ एक्स आई माइनस वन कैपिटल एम आई एफ एक्स आई. जो मैंने प्रूव की थी बेटा थ्योरम नंबर 7 में कंडीशन रीमन इंटीग्रल की, समेशन एम आई डेल्टा ई आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक माइनस एम आई डेल्टा, तो क्या बना बेटा, समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक एम आई माइनस एम आई डेल्टा. तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, हमें डेल्टा ई की लेंथ हमें मालूम है लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक एम आई किसके इक्वल है बेटा, एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस. तो इसको क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1, पुट कीजिए 1 एफ एक्स 1 माइनस एफ एक्स नॉट एफ एक्स 2 पुट कीजिए माइनस एफ एक्स 1 एन पुट कीजिए एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस. तो देखो बेटा एफ एक्स वन एफ एन एफ एक्स टू ये कैंसिल, मेरे पास क्या रहेगा बेटा, एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1 इनटू एफ एक्स एन किसके इक्वल है, एफ बी माइनस एफ ए. आपको मालूम है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1 किससे कम है बेटा, 1 से. तो क्या आ गया लेस देन. तो ये थी बेटा कुछ थ्योरम्स. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटिन्यू करूंगा, भी वो थ्योरम पढ़ी है, रीमन सम भी पढ़ा है बेटा, एंड द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी. सो थैंक यू वेरी मच.